वेलकम टू सबूरी किचन। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही खूबसूरत चॉकलेट रोज बास्केट केक बनाएंगे। बहुत ही अमेजिंग चॉकलेट रोजेस से डेकोरेट करेंगे, चॉकलेट की बास्केट बनाएंगे और भी बहुत कुछ खास। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मोर्डे का डार्क कंपाउंड है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। पहले इसको कट करके बाहर निकालेंगे, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसको हमें मेल्ट करना है। इसके लिए एक बर्तन में पानी बॉईल करेंगे, इसके ऊपर डार्क कंपाउंड रखकर मेल्ट करेंगे। मैंने इस शेप का एक कंटेनर लिया है, इसी से हम चॉकलेट बास्केट बनाएंगे और इसी साइज का केक भी बनाएंगे। मेल्ट किया हुआ डार्क कंपाउंड है, इसी से हम कंटेनर में ब्रश से चॉकलेट कोटिंग करेंगे। धीरे धीरे सभी जगह पर कोटिंग करते जाएंगे, केयरफुली करेंगे ताकि कंटेनर का कोई भी भाग खाली ना रहे। इसी तरह से कंटेनर को कम्प्लीटली कोट कर लिया है। अब इस कोटिंग किए हुए कंटेनर को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि कंटेनर में चॉकलेट सेट हो जाए। ये व्हाइट कंपाउंड है, इसके भी छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। डबल बॉयलर में डार्क कंपाउंड की तरह सेम प्रोसेस से मेल्ट कर लिया है। ये सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, इसमें रोज के शेप हैं, इसी से चॉकलेट रोजेस बनाएंगे। मेल्टेड व्हाइट कंपाउंड में पिंक कलर ऐड करके मिक्स किया है और इसका रंग पिंक तैयार किया है। मेरे पास कलरफुल शुगर बॉल्स हैं, इन्हें हम सबसे पहले मोल्ड में डालेंगे और सेट करेंगे। एक रोज को पिंक कंपाउंड से कोट करना शुरू करेंगे, इसी तरह से एक एक को कोट करते जाएंगे। सारे मोल्ड्स को कम्प्लीटली कोट कर लेंगे। अब सारे रोजेस कोट हो चुके हैं, अब मोल्ड्स को सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। डार्क चॉकलेट वाला कंटेनर फ्रिज में से निकालेंगे। देखिए, बहुत अच्छी तरह से एक लेयर चॉकलेट की कोट हो चुकी है। दोबारा फिर से कंटेनर को चॉकलेट से कोट करेंगे। ऐसा करने से चॉकलेट बास्केट बनेगी, वो क्रैक भी नहीं होगी, ब्रेक भी नहीं होगी। तो इस प्रोसेस को हमें 3 बार करना है। अब सिलिकॉन मोल्ड्स को फ्रिज से निकालेंगे। एक लेयर देखिए कितनी अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। दूसरी बार भी पिंक कलर से फिर से चॉकलेट कोटिंग करेंगे। अब 10 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में रखेंगे। इसी प्रोसेस को हम 3 बार फिर से करेंगे। इस तरह से रोजेस बहुत सुंदर बनकर रेडी होंगे। रोजेस न क्रैक होंगे न ब्रेक होंगे। अब देखिए, कंटेनर में चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो गई है। इसमें से चॉकलेट बास्केट को डीमोल्ड करेंगे। इसके लिए धीरे धीरे कंटेनर से बास्केट अलग करना शुरू करेंगे। बहुत ही केयरफुली करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो बास्केट क्रैक हो सकती है। देखिए, बहुत ही सुंदर चॉकलेट बास्केट बन गई है। बहुत ही अमेजिंग लग रही है ना फ्रेंड्स। इसी तरह से सिलिकॉन मोल्ड्स में भी चॉकलेट कम्प्लीटली सेट हो गई है। एक रोज को मोल्ड में से डी मोल्ड करेंगे। ये प्रोसेस धीरे धीरे करेंगे, बहुत ही केयरफुली करेंगे। तो लीजिए, हमारा बहुत ही प्यारा पिंक कलर का चॉकलेट रोज बन गया है। इसी तरह से सारे रोजेस को सेपरेट करेंगे। देखिए, बहुत ही सुंदर चॉकलेट रोजेस तैयार हो गए हैं। अब आती है केक की बारी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसी कंटेनर में सेम साइज का एगलेस केक बना कर रखा है। आप कोई भी केक ले सकते हैं। ऊपर से इसमें क्रीम अप्लाई की हुई है। केक को चॉकलेट बास्केट में सेट करेंगे। इस प्रोसेस को भी केयरफुली करना है, नहीं तो चॉकलेट बास्केट बहुत डेलिकेट है, क्रैक भी हो सकती है। देखिए कितनी अच्छी तरह से केक भी चॉकलेट बास्केट में सेट हो गया है। केक को चेरी और शुगर बॉल से डेकोरेट करेंगे। केक भी बहुत खूबसूरत हो गया है। अब चॉकलेट बास्केट में बीच में एक रोज रखकर सेट करेंगे। इसी तरह से सारे रोजेस आसपास में रखकर
बास्केट को कवर कर लेंगे और सेट करेंगे। रोजेस के साइड में वेफर रोल से भी डेकोरेट करेंगे। वाओ, देखिए कितना ब्यूटीफुल चॉकलेट रोज बास्केट केक बना है। बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। केक तो तैयार है, लेकिन अब हमें इसको टेस्ट भी करना है और कराना भी है। इसके लिए बास्केट को तोड़कर देखते हैं। कितना अमेजिंग है! आप भी इस तरह से चॉकलेट से भरपूर केक को जरूर बनाइए, बर्थडे पार्टी को और भी ज्यादा स्पेशल बनाइए। केक जितना खूबसूरत है, खाने में भी उतना ही डिलीशियस है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। Thanks for watching.